नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज। एक खबर जगदीशपुर से निकल कर आ रहा है कि प्रभारी चिकित्सक रेफरल अस्पताल के डॉक्टर दयानंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओपीडी में प्रतिदिन 10 से 15 मरीज आ जाते हैं या इससे ऊपर की संख्या में भी लोग आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोई मरीज बुखार से संबंधित, सर्दी खांसी से संबंधित व कुत्ता काटने से संबंधित मरीज आते हैं, जिनका इलाज बेहतर तरीके से क्या होता है, अच्छे से अच्छे दवा लिख कर दिया है और जो दवा यहां उपलब्ध होती है वह मरीजों को प्रदान की जाती है और जो नहीं होता वह बाहर से लेने को बोला जाता है। ओपीडी में प्रत्येक दिन इलाज हो रहा है, मरीज यहां भी आकर अपना इलाज करा सकते हैं। ओपीडी में आप बैठे हुए हैं, दिखाए देख रहे हैं, मतलब तक कितने, मतलब क्या क्या इसमें कौन कौन सी बीमारी के लोग आ रहे हैं? एक्चुअली कि सर्दी खांसी बुखार जो इन्फ्लुएंजा बताए हैं आपको, तो इन्फ्लुएंजा के केस आ रहे हैं पर डे कम से कम 15-20 वो आ जाते हैं जी। पर डे इन्फ्लुएंजा का केस हमें सर्दी खांसी बुखार का ये। ओपीडी मतलब कितने दिन चलता है अभी? मतलब ये चलता है कि और कब कब है ओपीडी? लोग कभी भी आ सकते हैं ओपीडी में? अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।